इन नशीली आंखों में बिल्कुल मत डूबिएगा, वरना आपका भी हो जाएगा बेड़ा गर्क। अगर आप सोच रहे हैं आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए बता देते हैं, क्योंकि मामला है उत्तर प्रदेश के कानपुर का। वो कानपुर जहां से ऐसी अतरंगी खबरें आती रहती हैं। दरअसल जिस महिला को आप देख रहे हैं, जिन लोगों को आप देख रहे हैं, कोई आम लोग नहीं है, एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 लोगों से शादी के नाम पर उनको जयमाला पहनाकर फिर उनके घर का सारा माल लूटकर फरार होने वाली ये है लुटेरी दुल्हन और उसके गैंग के लोग, जिसे कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सबसे खास बात यह है कि दुल्हन जिसके यहाँ शादी करती थी, अपने पति को अपना भाई बनाकर उसके घर ले जाती थी। उसके बाद रात में दूल्हा और उसके घर वालों को नशीली दवा खिलाकर सारा माल लेकर गायब हो जाती थी। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन उसके पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कानपुर के ककवन के रहने वाले एक व्यक्ति से कुछ दिन पहले ही दीपक नाम के एक शख्स की बस में मुलाकात हुई, जिसमें दीपक ने उसे बताया था कि वो लोगों की शादी करवाता है। उसके पास कई लड़कियों के घर वाले अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आते हैं। उसमें से एक शख्स ने कहा, मेरी भी शादी नहीं हुई है, मेरी भी शादी करवा दो। बस इसके बाद दीपक अपने साथी रजनीश के साथ एक दिन आकर उसके घर पर मिला और तय हुआ कि 70,000 रुपए में शादी कराई जाएगी, वो भी सुंदर लड़की से। जिसके बाद बलिया की रहने वाली मुस्कान से उस शख्स की शादी कुछ महीने पहले कर दी गई। इस दौरान मुस्कान का भाई बनकर राजकुमार नाम का शख्स उन दोनों के साथ शादी के बाद आ गया। हालांकि उसके बाद रात के खाने में कुछ ना कुछ मिलाकर वापस से इस लूट की वारदात को अंजाम देकर वो लोग फरार हो गए, जिसके बाद इस मामले की शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस ने जब इन लोगों को गिरफ्तार किया तो पुलिस भी हैरान रह गई कि कैसे पिक्चर से इन्फ्लुएंस होके इन लोगों ने ऐसा मास्टर प्लान बनाया। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना, चलिए सुनवाते हैं आपको। थाना ककवन पुलिस के द्वारा 4 व्यक्तियों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह में 4 व्यक्ति हैं, जिसमें दीपक उर्फ रुद्रेश कुमार जो कि रेवना थाना कानपुर के रहने वाले हैं, रजनीश उर्फ पंडित जो कि हमीरपुर के रहने वाले हैं, राजकुमार साहू और मुस्कान यादव, ये दोनों बलिया के रहने वाले हैं। इन लोगों का अपराध करने का तरीका ये था कि वो तलाशते थे जिनकी शादी नहीं हुई है किसी भी कारण से, या जिनकी पत्नी का देहांत हो गया है और घर में पारिवारिक जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए उनको शादी करने की इच्छा है। ऐसे व्यक्ति को ये पहले चिन्हित करते थे और उसको बाद में अप्रोच करते थे और उससे इस बात के लिए उसको राजी करते थे कि हम आपकी शादी करा देंगे और उसके बदले में आप हमारे को लगभग इतने पैसे दे दीजिएगा, जिससे जो कर पाए, जैसे किसी लोगों से इन्होंने 50,000 में किया है, किसी से 1,00,000 में किया है, ऐसे इस हमारे केस में इन्होंने 70,000 रुपये में इस बात को तय किया कि हम आपकी शादी कराएंगे और पूरा हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे और आप हमारे को इतने पैसे दीजिएगा। तो जिस व्यक्ति के द्वारा थाना ककवन क्षेत्र में शादी की गई, उन्होंने उनको पैसे भी दिए और बाद में इन्हीं में से एक व्यक्ति ने उनको पास के एक मंदिर में ले जाके उन दोनों का विवाह भी करा दिया, जो कि अपने आप में जो पूरा जैसे रीति रिवाज के अनुरूप नहीं था और विवाह भी वो गलत है। इसके बाद उनका ये तरीका रहता है कि घर में जाके वो 2-3 दिन घर में रहते हैं और साथ में अपने पति को अपना भाई बना के ये महिला लेके जाती है और मौका देख के घर पे जो बाकी सदस्य हैं उनको कोई नशे का कोई ऐसी दवाई उनके खाने में या पानी में मिलाकर पूरे घर को बेहोश करके घर में जो भी कीमती सामान है, जेवर है, नकद है, उन सबको लेके ये वहाँ से गायब हो जाते थे। इसमें कई बार व्यक्ति एक सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते शिकायत भी नहीं करता है। इनके द्वारा बताया गया कि सजेती थाने में भी उन्होंने इसी प्रकार का एक घटना कुछ माह पूर्व कारित की है। उसके अलावा झांसी और औरैया में भी इन्होंने इस प्रकार की घटनाएं करने की बात स्वीकारी है। इनसे अभी पूछताछ की जा रही है, थाना सजेती की टीम भी इनसे पूछताछ कर रही है और औरैया और झांसी जनपद से भी हम संपर्क कर रहे हैं ताकि वहाँ से भी अगर इस अपराध के संबंध में कोई जानकारी होगी तो उसमें उस चीज़ को भी कनेक्ट किया जाएगा। अभी तक जो इन्होंने स्वीकारा, इन्होंने बोला है कि करीबन 7-8 शादियाँ इस महिला के द्वारा की गई है। जो इसमें महिला के साथ जो राजकुमार हैं, ये इसके पति हैं। महिला की पहले भी एक बार शादी हुई थी जिसके अपने पति से इनका अलगाव हो चुका है और जो बच्चे हैं वो पति के साथ ही रहते हैं और वर्तमान में इनके द्वारा राजकुमार के साथ शादी करके अब राजकुमार के साथ रह रही है। लेकिन अपराध करने के लिए ये राजकुमार को अपना भाई बताती थी और दोनों मिलकर जिस घर में इनकी झूठी शादी रचाई जाती थी उस घर में दोनों मिलकर भाई बहन के रूप में 1-2 दिन रहते थे और मौका देखकर उस घर की जो भी संपत्ति है, जो भी कीमती सामान है, उसको चुरा कर वहाँ से गायब हो जाते थे। इसमें जो अभियुक्त हैं दीपक, रजनीश, राजकुमार और मुस्कान, 4 अभियुक्त हैं। ये ककवन थाना क्षेत्र से इनको गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल्स हैं वो भी हमने सीज किए हैं। इनके मोबाइल की जो CDR है और बाकी जो मोबाइल में डिटेल्स हैं उनको हमारी फॉरेंसिक टीम और हमारे साइबर सेल उसको जांच कर रहा है। उसमें जो फैक्ट्स निकलेंगे
और अगर आवश्यकता हुई तो इनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लेके आगे भी पूछताछ की जाएगी। ये घटना अभी 15 तारीख को इन्होंने शादी की थी। सर इसमें इन लोगों को सूचना कैसे मिलती कि इन लोगों की शादी नहीं हुई है? इसमें कौन ये है? ये लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं और लोगों से बातचीत करके इस प्रकार की सूचनाएं निकालते हैं। तो लुटेरी दुल्हन को लेकर आपने फिल्में तो तमाम देखी होंगी, लेकिन आप ये देखिए लाइव तस्वीरें लुटेरी दुल्हन और उसके गैंग की। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक लुटेरी दुल्हनों की कहानी लोगों के बीच आती रहेगी, और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे और कब तक लोग ऐसे ही ठगे जाते रहेंगे। बाकी आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।